सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि मैंने आपको ये वादा किया था कि मैं प्रॉपर आपको गाइड करूँगा कि एके में जैसे आप जंप करोगे, जैसे कि आप सेकंड ईयर में जाओगे बीटेक करने के लिए, तो क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें मैंने खुद गलती करा था और क्या चीज़ है जो आपको गलती नहीं करनी है, और क्या चीज़ आप डिप्लोमा में सीख के आए हो और क्या चीज़ें आपको डिप्लोमा करने के बाद से आपको क्या चीज़ें बीटेक से सीख के जानी है, ये ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ कि जो मैंने डिप्लोमा में गलती करी थी वो मैंने बीटेक में सुधारी है। ठीक है, और जो मैं बीटेक में सीख के जा रहा हूँ वो कहीं डिप्लोमा से बेटर होगा। इस सभी के रिगार्डिंग आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी आप जो है कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लड़का का एडमिशन हो चुका है, काफ़ी सारे लड़कों का ऑटो अपग्रेड है, तो वो कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे लड़कों का बाकी है जिनको सेकंड राउंड काउंसिलिंग में आने वाला है, तो वो उनको सेटल हो ही जाना है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें एक वाइड बनते जा रही है कि आप बीटेक करने जा रहे हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको लाइफ में ना सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपको सीखनी पड़ेंगी। तो एक मैं अपने सीनियर के नाते आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है उसको आप यदि आप कंप्लीट देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका लेवल पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर हो, आपको किस तरीके का मेहनत करनी है, किस तरीके से आपको क्या चीज़ों को कैसे करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइफ में मुझे क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, मैं बीटेक क्यों कर रहा हूँ, मैं डिप्लोमा कर लिया हूँ तो क्यों किया हूँ, डिप्लोमा करने के बाद से भी मैं बीटेक कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्या चीज़ को स्किप कर सकता हूँ, ये सभी चीज़ें ना इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं पहले ही बताता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, बट इस वीडियो को देखने के बाद से मैं आपको कंप्लीट एक गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि काफ़ी सारा मोटिवेशन आपको दे सकता हूँ और मैं आपको फील करा दूंगा कि बीटेक करने के फ़ायदे क्या हैं और बीटेक करने के बाद से आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का क्या फ़ायदा ले सकते हो, ये सभी चीज़ों में आपको क्लियर करने वाला हूँ गाइज। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहना वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो ना प्रॉपर आपके लिए बना रहा हूँ मैं, तो इस वीडियो का मोटिव मैं रखता हूँ कि 2000 व्यूज जाना चाहिए। ठीक है, कितना 2000 व्यूज जाना चाहिए, और आप जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल में जितने लोगों को जानते हो उसको ये वीडियो का लिंक शेयर जरूर करो, क्योंकि 2000 व्यूज जब चले जाएंगे तो इस तरीके का मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ये है गाइज कि अभी आप करने क्या जा रहे हो, बीटेक करने जा रहे हो। ठीक है, तो मैंने पूरा प्लानिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है यहाँ पर, तो आप देखना वीडियो को लास्ट तक, आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि मैंने क्या चीज़ें आपको मिस करा है। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि आप डिप्लोमा करके आए हो, तो क्या करके आए हो, डिप्लोमा करके आए हो, डिप्लोमा दैट मीन कि पॉलिटेक्निक भी, काफ़ी सारे लोग डिप्लोमा को पॉलिटेक्निक ही बोलते हैं, इवन मैं भी पॉलिटेक्निक ही बोलता हूँ अभी भी। ठीक है, बट दोनों का नाम सेम ही है। ठीक है, तो ये डिप्लोमा आपने करके आया है, तो डिप्लोमा जब आप कर रहे थे तो उस बोर्ड का जो नाम था ना, वो बोर्ड का नाम था SBT बिहार। ठीक है, ये काफ़ी सारे लोगों का भी डाउट होता है कि SBT और AQ में अंतर क्या है, कितने लोगों को तो AQ का नाम ही नहीं पता होगा। इवन जब मैं सेमेस्टर में इन किया था ना, तो मैं रियली बता रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि AQ क्या नाम है। ठीक है, मैंने अपने सीनियर से कांटेक्ट करा था, उनको बताया था कि AQ ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि जब आपने जब डिप्लोमा किया था तो डिप्लोमा का नाम जो बोर्ड था वो SBT बिहार था। ठीक है, SBT दैट मीन कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, लेकिन अभी आप जैसे बीटेक करोगे ना, तो बीटेक जो आप करोगे तो बीटेक जो आप कर रहे हो तो उस बोर्ड का जो नाम है ना, उस बोर्ड का नाम है आपका AKU। ठीक है, क्या नाम है? AKU दैट मीन कि जैसे आप बीटेक करोगे तो बीटेक का जो करने का बोर्ड का जो नाम है, जो उसको कंट्रोल करता है, वो आपका नाम है AKU बिहार, दैट मीन कि आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटीज का पूरा नाम है। ठीक है, अब मैं सभी चीज़ों को बात करूंगा, बट मैं शुरू से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप क्या करने जा रहे हो, बीटेक आपका 4 साल का होता है। ठीक है, कितना? 4 साल का आपका होता है, तो 4 साल की डिग्री कोर्स होता है, इसमें आपको डिग्री मिलती है, वो बैचलर की डिग्री मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप BSc करते हो तो बैचलर ऑफ साइंस होता है, उसी तरीके से आप बीटेक करोगे तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का आपको डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बैचलर का डिग्री देता है जो कि 4 साल के लिए आपका होता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि बीटेक कौन कौन लोग करते हैं, तो बीटेक 2 तरीके के लोग कर सकते हैं। पहला, एक रेगुलर से जो आते हैं कि JEE मेन के थ्रू आते हैं। ठीक है, जो JEE JEE होता है ना, वो एग्जाम दे के आते हैं,
उनके थ्रू बीटेक करने के लिए लोग आते हैं, तो उनको रेगुलर में वो कंसिडर किया जाता है, यानी कि वो रेगुलर से होते हैं, तो जिसमें कि वो जैसे आएंगे तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, फिर सेकंड सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारे बिहार गवर्नमेंट की एक खासियत है कि वो डिप्लोमा जो लोगों ने किया उनको भी डायरेक्ट कराती है बीटेक, तो उनको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेती है, तो वो कहलाते हैं आपका लेटरल एंट्री से आते हैं, ठीक है, लेटरल एंट्री से, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो लेटरल एंट्री से जो लोग एडमिशन लेते हैं तो उनका कुछ अलग सा एक फंडा होता है, ठीक है। वो फंडा होता है कि उनको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को स्किप करा दिया जाता है, क्योंकि डिप्लोमा में जो लोग वो पढ़ते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़े हुए रहते हैं, तो उनको जो है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर नहीं पढ़ा जाता है, यानी कि पूरा फर्स्ट ईयर का उनका गैप हो जाता है और वो सेकंड ईयर में आते हैं, सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। जो कि सेकंड ईयर में आते हैं तो उनका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, जैसे कि डिप्लोमा में आपको 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, उसी तरीके से आपका बीटेक में भी 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, लेकिन ये 4 साल होने के कारण यहाँ पे 8 सेमेस्टर तक आपका कोर्स चलता है, और वो डिप्लोमा आपका 3 साल का होने के लिए आपका वहाँ पे 6 ही सेमेस्टर चलता है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। और सेकंड ईयर में जैसे वो आते हैं तो वो रेगुलर से जो लोग आते हैं सेकंड सेमेस्टर पार करके, तो वो रेगुलर वाले होते हैं, और जो एलई से आते हैं वो एलई में डायरेक्ट आपका सेकंड ईयर में आते हैं, तो इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। क्या कर देता है, मर्ज करके एक पैरेलल किया जाता है, दोनों का क्लास एक साथ चलते हैं, दोनों का जो भी कोर्स वगैरह होते हैं वो सब एक साथ हो जाते हैं, जो भी मतलब आपका जो भी काम होगा वो साथ साथ चलने लगता है, ठीक है। तो ये आपका मर्ज हो जाता है, ठीक है। और यहीं पर एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ मैं, कि अभी आप में से काफ़ी सारे लोग जो ना कमेंट कर रहे थे कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ कि देखिए अभी जो थर्ड सेमेस्टर में है ना, जो कि रेगुलर वाले सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में आते तब उनका सेकंड ईयर होता है ना, लेकिन वो अभी सेकंड ईयर में गए ही नहीं, उनका सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम पेंडिंग ही चल रहा है, उनका 27 जनवरी से एग्जाम है, तो जैसे उनका एग्जाम होगा ना तब अब वो थर्ड ईयर में आएंगे, थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, यानी कि सेकंड ईयर में आएंगे, तो आपका क्लासेस उन लोगों के साथ मर्ज हो जाएगा और चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका एग्जाम वगैरह कुछ भी होगा तो वो चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो अभी आपका क्लास वगैरह भी नहीं चला, ये बेसिक बात थी जो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम अपने आज टॉपिक पे आते हैं कि अब जैसे कि जो लोग भी बीटेक करने के लिए एडमिशन लेंगे उनके बोर्ड का तो नाम मैंने पहले बता दिया था, तो वहाँ पे अब जो मेन बात आती है ना, वो खास बात आती है, वो उस चीज़ को आप समझना, ठीक है। जो डिप्लोमा में आपने सिलेबस पढ़ा था, ठीक है, जो डिप्लोमा आपने सिलेबस पढ़ा था उसका 50-60% आपका सिलेबस बीटेक में मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 50-60, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 52 आपका 60% जो सिलेबस है ना वो आपको बीटेक में मिल ही मिल जाने वाला है, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, हर एक पेपर से आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग डिप्लोमा करके आते हैं ना, अगर वो रियली में डिप्लोमा किए हैं, अगर पढ़े हैं मन से, तो मैं इस बात का गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो 50-60% सिलेबस यूँ ही देख के कवर कर लेंगे। मैंने भी अभी कवर करा था, ठीक है, मैंने थर्ड सेमेस्टर में भी ऐसे ही कवर करा था, फोर्थ में भी मैंने पढ़ा था बट प्रमोट हो गया था, फिफ्थ में भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। सवाल जो पढ़ना है वो सब मतलब मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मतलब आपको पढ़ा हुआ चीज़ काफ़ी सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस होता है, लेकिन उसमें जो 50-60% के सिवाय जो बजट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस्ड होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा एडवांस होता है, जो कि इलेक्टिव पेपर्स वगैरह जुड़ जाते हैं, तो वो आप जब जाओगे 6-7 सेमेस्टर में तो वहाँ पे आपको एक इलेक्टिव पेपर आना स्टार्ट होता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बट लेकिन एक्स्ट्रा एडवांस जरूर होता है सिलेबस बीटेक का, तो उसमें उतना भी एडवांस नहीं होता है कि आप चीज़ों को समझ जाएंगे, आप डिप्लोमा करके आओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों को समझने में इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि सिलेबस किस तरीके से डिफाइन होते हैं, सिलेबस में क्या चीज़ें ऐड होते हैं, क्या चीज़ ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद से आते हैं कि जो डिप्लोमा आपने करा था वहाँ का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होगा कि सीनियर्स जूनियर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और वहाँ के जो फैकल्टी लोग हैं उनके बीच में स्टूडेंट का क्या कम्बिनेशन होता है, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के कॉलेज का स्टाफ किस तरीके से एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। वो इन्वायरमेंट यहाँ पर आपको कैसे किस तरीके से मिलेगा इस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करें, तो वहाँ पर जो चीज़ इन्वायरमेंट है उससे ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, टू मच डिफरेंट मिलेगा, मतलब थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, काफ़ी थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्या होता था कि अगर हम लोगों को कुछ काम पड़ती थी ना तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल से वहाँ पे कांटेक्ट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और मिल सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिल सकते, लेकिन यहाँ पे काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, चूँकि ये हायर एजुकेशन है तो आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अगर बात करें कि आपको कहाँ पर ज़्यादा अच्छा फील, तो मैंने पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं जो डिप्लोमा में जो फीलिंग आती थी ना, जो डिप्लोमा करने में मैंने फील किया था चीज़ों को, नया नया तरीके से सीखना, नया नया लोगों से मिलना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ पे बीटेक में उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता मुझे जो मैंने फील किया है, ठीक है। हो सकता है ये आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि लैब प्रैक्टिकल, जो डिप्लोमा में आपने
लैब प्रैक्टिकल किया था ना, वो लैब प्रैक्टिकल उतना नहीं होता था वहाँ पे। वहाँ पे लैब प्रैक्टिकल होते ज़रूर थे लेकिन उतना नहीं होता था। वहाँ पे होता था कि आपको थोड़ा मोड़ा करा करके निकल जाते थे सर लोग, ठीक है, और वहाँ पे पूरा लड़का भी जानकारी नहीं होता था उनको, तो वो लैब और प्रैक्टिकल पे फोकस भी नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे अगर बीटेक में बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लैब मिलने वाला है, ठीक है, बहुत ही अच्छा यानी गुड क्वालिटी का आपको लैब मिलेगा। चूँकि यहाँ पे बीटेक का डिग्री ले रहे हो आप, तो वहाँ पे नया नया कॉलेज जो खुले हैं या इवन जो पुराने कॉलेज भी है उसमें भी काफ़ी सारा अच्छा अच्छा लैब लेबोरेटरी ओपन हो रखे हैं। सारे चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली रियलाइज करने की कोशिश किया जाएगा फैकल्टी के थ्रू, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे बीटेक में सीखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद से बात करें कि फैकल्टी के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ का जो फैकल्टी थे वो लोग क्या करते थे, मैक्सिमम बीटेक क्वालिफाइड थे या खूब होंगे तो आपका इवन एमटेक करके आते थे डिप्लोमा को पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फैकल्टी लोग आपको मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे, ठीक है, गुड क्वालिटी के मिलेंगे फैकल्टी। और यहाँ पे जो लोग भी आएंगे वो मिनिमम आपका एमटेक करके आएंगे, ठीक है, और आपका पीएचडी करके आएंगे। अभी तो हालांकि कंपलसरी कर दिया गया है न्यू रूल के तहत कि जो लोग भी बीटेक को पढ़ाएंगे उन लोगों को पीएचडी कंपलसरी है, ठीक है। तो अभी और ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा एजुकेशन क्षेत्र में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फैकल्टी को। उसके बाद से हम लोग क्लास की बात करें स्टडी, जो कि आपका मेन पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो वहाँ पे डिप्लोमा में क्लासेस, तो मैं ये नहीं कहूँगा डिप्लोमा में क्लासेस नहीं चलती, डिप्लोमा में भी रेगुलर क्लासेस चलती थी। इवन जब आप 16 से 19 के बैच में पढ़े होंगे या इवन उसके पहले भी पढ़े होंगे तो आपको एक चीज़ पता होगा कि वहाँ पे बायोमेट्रिक कर दिया गया था, मतलब कि स्टूडेंट को कंपलसरी कर दिया गया था कि आपको क्लास लगाना ही लगाना है, कॉलेज आना ही आना है। तो वहाँ पे बायोमेट्रिक कर दिया गया था, आप प्रिंट दोगे आपका क्लास का अटेंडेंस बनेगा, नहीं दोगे आपका प्रिंट नहीं बनने वाला है क्लास में, ठीक है। तो वहाँ पे वैसा कंसेप्ट चलता था लेकिन बीच में इसको इरेगुलेट कर दिया गया, ऐसा देखने को नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बीटेक के लिए बात करूँ तो यहाँ भी क्लास और स्टडी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलती है। यहाँ पे भी टीचर्स जो बिगड़े होते हैं वो एमटेक पीएचडी करके आते हैं, तो उनके पास भी एक अच्छा खासा नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो लोग गेट भी क्वालिफाइड करते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं ऑन डिप्लोमा बेसिस पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टीचर्स होते हैं ना वो पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिप्लोमा के बेसिस पे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हायर स्टडी किया जाता है तो उनका डिफरेंट तो होगा ही जेनुअनली, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखिए जो क्लासेस वगैरह चलती है ना वो रेगुलर बेसिस पे भी चलती है और इंटरवल बेसिस पे चलती है, ठीक है। यानी कि रेगुलर बेसिस दैट मीन कि किसी किसी कॉलेज में आप देखोगे तो वहाँ पे रेगुलर क्लास चलते हैं, जैसे कि इवन मेरे क्लास में कहोगे तो मैं सुबह का 10 बजे क्लास जाता हूँ और शाम को 4 बजे आता हूँ, क्योंकि मेरी क्लासेस रेगुलर चलती हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हमेशा क्लासेस चलती है, 4-5 क्लास हमेशा हो जाती है, 1-2 लैब हो जाती है हमेशा, तो ये कॉलेज की मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस है कि मेरे यहाँ क्लास चलती है। हाँ, किसी किसी कॉलेज में जो है इंटरवल बेसिस क्लासेस चलती है, मतलब वहाँ पे 2 दिन चला तो 1 दिन हो सकता है छुट्टी रख दे टीचर, या ऐसा हो सकता है कि वो स्टार्टिंग के जो सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो रहा है तो उस सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आपको 2 मंथ पढ़ा दे, उसके बाद से लड़का आना ही कम कर देता है, फैकल्टी लोग भी उतना मतलब केयर नहीं रखते हैं कि लड़का को बुलाना ही है पढ़ाना ही है क्लास, ऐसा कुछ मतलब वो भी नहीं सोचते हैं, तो उस बेसिस में मैं बोल सकता हूँ कि वो इंटरवल बेसिस आपके क्लासेस चलते हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस चलने की स्टडी करने के प्रोसेस हो गया, तो मैंने कंप्लीट आपको बताया है कि बीटेक किस तरीके से आप करोगे, क्या क्या चीज़ आपको एक्सपीरियंस रहेगा, कैसे कैसे करोगे, ठीक है। ये बेसिक जानकारी आपको बीटेक करने से पहले आपको जानना ही जानना पड़ेगा। तो एक आपको जेनुअनली मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि वहाँ पे भी डिप्लोमा मैंने किया, तो 3 साल वहाँ पे भी मैंने डिप्लोमा किया है, तो वहाँ पे मैंने भी काफ़ी सारा मेहनत किया है, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लिया है, मुझे कुछ डिफरेंट करना था तो मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो लेकिन अब बीटेक कर रहा हूँ तो वो किस मोटिव में करता हूँ, उसको किस तरीके से मैं कर सकता हूँ और अपने आप को यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने एक आपको क्वेश्चन अरेंज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने साफ साफ कि व्हाट वी हैव टू डू, मतलब कि अगर आप BCCLE से आ रहे हो बीटेक करने तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने कॉलेज लाइफ में, सेमेस्टर के क्लासेस में आपको क्या करना चाहिए, आप क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जब ड्यूरिंग सेमेस्टर जब भी आपका सेमेस्टर चल रहा है तो आप इतना कोशिश करो कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, तो मैं मैक्सिमम लोगों को ये कंसिडर करता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली से होता है, और मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, एक जॉब होती है कि जो जॉब चाहिए मुझे, जॉब मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए मुझे, तो जॉब के लिए उनको प्रिपेयर होना पड़ता है, तो जॉब के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SSC JEE आती है उसके लिए आप जो उसका सिलेबस है ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होती है, ठीक है, तो उन पर फोकस रहना है सेमेस्टर के क्लासेस में, सेमेस्टर क्लास चल रहा है क्लास जाओ क्लास आओ
जो भी असाइनमेंट वगैरह होते हैं वो करो, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि आप SSJEE के सिलेबस को भूलो नहीं, उसको पढ़ते रहो, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आएगी आप डिप्लोमा करके आओ उसका यूटिलाइज कर सकोगे, उसके पावर को आप यूज कर सकते हो, उसको बेसिस पे आप जॉब ले सकते हो। SSJEE कोई इतना आसान जॉब नहीं होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा जॉब होता है, तो उसमें भी आप फाइट करो, उसके लिए तैयार रहने की कोशिश करो। ये नहीं कि बीटेक कर रहे हैं तो आप सारा चीज़ भूल जाएँ कि नहीं अब बीटेक ही करना है। बीटेक कर रहे हो तो हो ही रहा है, वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप SSJEE पे भी फोकस्ड रहो, ठीक है। उसके बाद से STATE JEE का भी आता है, जैसे कि बिहार का भी आता है कॉन्टैक्ट बेसिस, तो उसमें भी थोड़ा सा आप कॉन्टैक्ट बना कर रखो, इन्फॉर्मेशन को पता करते रहो, लेते रहो, ठीक है। सीनियर के कॉन्टैक्ट में रहो, इवन मेरे कॉन्टैक्ट में भी रहोगे तो काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिल ही जाती है, ठीक है। तो उसके कॉन्टैक्ट में रहना है, ठीक है। उसके बाद से फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल और लैब, तो देखिए डिप्लोमा में तो काफ़ी सारे आपने चीज़ पढ़ के आ रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो चीज़ें पढ़े थे वहाँ पे एक्सपीरियंस आपको जो मैं बताऊँ कि वहाँ पे लैब वगैरह थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पे लैब वगैरह ज़्यादा होता है, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लो। आप कोशिश करो कि फोकस रहो, मतलब लैब जब भी हो तो आप उसको अच्छा से अटेंड करो, प्रॉपरली टाइम टू टाइम अपडेट करो, अपने आप को प्रैक्टिकली कनेक्ट करने की कोशिश करो। थियोरेटिकली तो आपने डिप्लोमा में भी पढ़ा था, ठीक है, और इवन यहाँ भी पढ़ोगे, तो आप कोशिश करो कि प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सको, लैब में उस चीज़ को आप लेबोरेटरी में जा करके आप कर सको उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद से जो भी डिप्लोमा में अपने पढ़े था ना उसको टाइम टू टाइम अपडेट करो, वही चीज़ें आपका बेसिक है, वही चीज़ें आपका बेस बना करती हैं, वही चीज़ आपको हायर स्टडी के लिए आप जब MTech करोगे PhD करोगे तो वही चीज़ें आपको हमेशा काम आने वाली है। तो उस चीज़ को कोशिश करो कि हमेशा रिवाइज करके रखें, उसको कॉन्सेप्ट को उसके नोट्स को हमेशा एक बार पढ़ते रहें, ठीक है। उसके नोट्स जो होगी उसको हमेशा एक बार पढ़ते रहें, उसको एक टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों मैंने अभी बताया ना, उसको माइंड में इन कर लो, इसको माइंड में इन कर लो, और इन सभी पे फोकस्ड करो, इन सभी पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट बताया कि बीटेक क्या होता है, कैसे करना होता है, रेगुलर क्या होता है, LD क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बताया। अब तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ जो भी अभी बताई है वो मैंने ये बताई है कि आप जब सेमेस्टर आपका चलेगा, जब आप बीटेक के सेमेस्टर्स में रहोगे, यानी कि आप जो है जब तक अभी बीटेक करो उसके ड्यूरेशन में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, वो चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है। और किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है वो चीज़ें मैंने बताई। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे आप बीटेक कर रहे हो तो, ठीक है, बीटेक के फाइनल ईयर में चले जाओगे या फाइनल ईयर से पास आउट भी हो जाओगे, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा आपका बीटेक, तब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है, तब आप बीटेक करके क्या चीज़ें कर सकते हो, इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो उसके लिए मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे बीटेक आपका कंप्लीट होगा या इवन आप फाइनल ईयर में जाओगे, तो आप जो है बीटेक के बेसिस पे आप जो है गेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो गेट का फॉर्म भर के आप MTech कर सकते हो, MTech करके आप PhD कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिलसिला चलती है आपका, जब आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, कुछ रिसर्च वगैरह करने या PhD करके कहीं प्रिंसिपल्स बनने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, ठीक है, तो उस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप PhD करके MTech करके भी डायरेक्ट यहाँ से प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। या आप ये चाहते हैं कि मुझे AC चाहिए, मतलब कि AC मतलब इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता है, उसका मतलब ये होता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारा जो है ऑफिसर्स लोगों की काम पड़ती है, तो ऑफिसर्स बनना चाहते हो वो भी इंजीनियरिंग के फील्ड से, तो आप ESC वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, या UPSC या BPSC के बारे में आप सोचते हो तो वो भी चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो है ये जो आपका BTEC दे रहा है वो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री दे रहा है, तो ग्रेजुएशन बेसिस पे आप जो भी फॉर्म निकलता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, जैसे BPSC UPSC के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हो। या असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हो जब आप BTEC कंप्लीट कर लोगे, तो मैंने एक कंप्लीट चीज़ बताई कि फाइनल सेमेस्टर में जाए, फाइनल ईयर जाने के बाद से, या इवन आपका BTEC कंप्लीट हो जाएगा, तब आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, इसके सिवाय और भी चीज़ें हैं जो आप सेमेस्टर के दौरान कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि कुछ स्किल वगैरह सीख सकते हो जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत देंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे आपके डिपार्टमेंट से। जैसे कि मेरा सिविल है तो मैंने ऑटोकैड सीख लिया, आर्किटेक्चर का काम सीख लिया, ठीक है, साइट इंजीनियर का थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ, तो ये सभी चीज़ें ना आपको फर्दर जब जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे कहीं पर, तो उस जगह पर बूस्टअप के काम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको सेमेस्टर में करती रहनी है। हालांकि मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कि किसी भी ब्रांच से हो तो उस ब्रांच के लिए क्या क्या चीज़ आपको स्किल डेवलप करना चाहिए, क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए, ठीक है। और मैंने अभी आपको ये चीज़ जो कंप्लीट बताया है, तो आई होप कि एक माइंड में आपको एक ब्रॉड आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ें हमको करनी होती हैं, कैसे करनी होती है, क्या BTEC होता है, BTEC करने के बाद से क्या फ़ायदा होने वाला, BTEC के दौरान हमको क्या क्या चीज़ों पर फोकस करनी होती है, इन सभी चीज़ों को मैंने कंप्लीट बताया है। तो अगर आप वीडियो तक अभी तक यहाँ तक देखते हुए आ चुके हो तो आपको
काफ़ी सारा चीज़ जो है यहाँ पे सीखने को मिल चुके होंगे। तो आई होप कि इस वीडियो का मोटिव आपने समझा होगा। हालांकि ये वीडियो लंबा ज़रूर रहा होगा, लेकिन यहाँ तक आप जब देखते हुए आ गए हो तो मैं पूरा डेडिकेशन के साथ कहता हूँ कि आपका पूरा माइंड जो है ना वो शार्प हो गया होगा, क्लियर हो गया कि आपको क्या चीज़ें करनी होती हैं, कैसे क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पर बी टेक करने के बाद से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो तो उतना आपका माइंड ब्रॉड होना चाहिए, उतना आपको सोच डेवलप होना चाहिए, उतना आपके माइंड पर प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि आप चीज़ों को एनालिसिस कर चुके हो, समझ चुके हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई होप कि इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी मोटिवेशन, कोई भी आपको कुछ कंप्लीट जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको जितना भी हो सके वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।